दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। छतरपुर में मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर दो सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन जारी है। मंगलवार को आंदोलन के तहत संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर कार्यालय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आवेदन देकर अपनी मांगों को अवगत कराते हुए उनका शीघ्र निराकरण करने की मांग की। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को 5 जून 2018 की नीति के तहत नियमित कर्मचारियों के वेतन का 90% वेतनमान दिए जाने तथा सपोर्ट स्टाफ एवं निष्कासित कर्मचारियों की वापसी किए जाने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं दी और यह क्रम वर्तमान में भी जारी है। 5 जून 2018 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाई गई थी जिसमें नियमित कर्मचारी के वेतनमान का 90% वेतनमान दिए जाने की बात कही गई, लेकिन आज तक इसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिला। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने चेतावनी भी दी है कि यदि 23 मई 2022 तक मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आज कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन देने का हम लोगों ने एक काम किया है। इसके तहत जो 5 जून 2018 की नीति बन चुकी है उसको लागू कराने के एवज में कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे और इस तरह हम सभी लोग जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं शोषण हो रहा है हम लोगों का। मामा जी ने भी बोला था कि संविदा शोषण की नीति है। इस तरह हम लोगों ने आज CMHO साहब को भी ज्ञापन देने का काम किया है और यहाँ पे कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। अभी जो ऊपर से निर्देश हैं 22 तारीख तक हम लोगों को इसी तरह से ज्ञापन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सरकार को जो है अपनी बात पहुँचाने का काम करना है। 23 तारीख से अगर नहीं मांगे मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में हम लोग पूरे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से पूरे मध्य प्रदेश के 30,000 और अपने छतरपुर जिले के 539 जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं सभी जो हड़ताल का रूप धारण करेंगे।